तो लोगों को प्लान दिखाने के रिगार्डिंग कुछ दो चार महत्वपूर्ण बातें हैं, वो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। देखिए, प्लान प्रेजेंटेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो वन ऑन वन प्लान प्रेजेंटेशन हो सकती है, ठीक है ना, घर घर जाके प्लान प्रेजेंटेशन आप अपने क्लाइंट के पास गए, या आपने अपने क्लाइंट को अपने पास बुला लिया और आपने उसको वन ऑन वन बैठ के प्लान प्रेजेंटेशन दे दिया, या फिर जो प्लान प्रेजेंटेशन होती है वो पूरे ग्रुप में होती है। एक वेन्यू सेट कर दिया जाता है, एक जगह, एक डेट और टाइम और प्लेस फिक्स कर दिया जाता है, और वहाँ पे सारे लोग अपने अपने गेस्ट को बुलाते हैं और सबका जो है प्लान मीटिंग एक साथ हो जाता है, ठीक है ना। तो जब सबका प्लान मीटिंग एक साथ में हो रहा है, तो उस समय तो आप जो है कंपनी के प्लान को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक घंटा डेढ़ घंटे का समय लीजिए अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जो आदमी चल के आपके पास आ गया है मीटिंग को अटेंड करने के लिए, वो एक्चुअल में सुनने के लिए आया और पूरा टाइम देने के पूरा टाइम निकाल के आया है वो, तो ऐसी कंडीशन में आप पूरी तरीके से प्लान ब्रीफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट जो मेन जो समझने वाली बात है, वन टू वन, वन टू वन में जब आप प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखिए कि आप अपने प्लान को जितने कम शब्दों में और जितने कम समय में सिमटाएंगे, उतना ही आपका बिजनेस प्लान जो है वो इफेक्टिव होगा, उतनी ही आपकी प्रेजेंटेशन इफेक्टिव होगा। वन टू वन में जब भी हम प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, तो इफेक्टिवनेस अगर आपको बनानी है, तो आपको अपने प्लान प्रेजेंटेशन को ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट के अंदर सिमेट लेना है। 15 से 20 मिनट के अंदर आपको अपनी बात खत्म कर देनी है, अगर आपको वन टू वन में प्लान प्रेजेंटेशन देना है। जब हम जूम मीटिंग की बात करते हैं, क्योंकि आज की डेट में सब ऑनलाइन प्लान प्रेजेंटेशन हो रही है, तो जब हम जूम मीटिंग की बात करते हैं, तो जूम मीटिंग के अंदर भी ये नियम लागू होता है कि जब आप एक या दो गेस्ट हैं जिनको आपके अपने पर्सनल गेस्ट हैं, आपने उनको इनवाइट किया हुआ है कि भाई साहब ये मेरा लिंक है और आ जाओ इसके अंदर, तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, महंगाई क्या होती है, और अपना जो है गरीबी का सिद्धांत, अमीरी का सिद्धांत, क्वाड्रेंट क्या होता है, ये सारी डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है जब आप वन टू वन में बात कर रहे हैं। वन टू वन में जब आप बात कर रहे हैं, तो आपको सीधा सीधा मुद्दे पे आने की जरूरत है कि भैया कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, इनकम प्लान क्या है। आपने 15 से 20 मिनट के अंदर ये चीज़ें जो है ब्रीफ कर देनी है। लेकिन उससे पहले जब आप किसी को समझाने के लिए बैठ रहे हैं, आप अपना प्लान खोल रहे हैं, तो प्लान खोलने से पहले ये चेक जरूर कर लें कि जिसको आपने अपने गेस्ट को बुलाया है वो लिसनिंग मोड में है या नहीं है। लिसनिंग मोड में कई बार क्या होता है कि जब हम अपने क्लाइंट के पास जाते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, खासकर वन टू वन के अंदर, तो सामने वाला हमसे मिल तो लेता है, लेकिन वो उस समय सुनने की मुद्रा में नहीं आया होता है, ठीक है ना। तो आपको ये देखना जरूरी है कि क्या सामने वाला सुनने की मुद्रा में आया भी है, या वो आपको कैजुअली ले रहा है, आपकी बातों को कैजुअली ले रहा है। अगर सामने वाला आपको कैजुअली ले रहा है, आपकी बातों को हल्के में ले रहा है, आपको हल्के में ले रहा है, तो कभी भी प्लान मत खोलना, कभी भी बिजनेस प्लान के ऊपर बात मत करना। आप तब तक बिजनेस प्लान मत खोलना जब तक सामने वाला आपकी बातों को गंभीरता से ना लेना शुरू कर दे। और सामने वाला आपकी बातों को गंभीरता से लेगा कब? वो आपकी बातों को गंभीरता से तब लेगा जब आप उसको ये बता पाएंगे, जब आप उसको ये समझा पाएंगे कि मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ ना, अगले 15 से 20 मिनट जो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, अपने फायदे के लिए नहीं बैठा हूँ, आपके फायदे के लिए बैठा हूँ। अगले 15 से 20 मिनट फोकस्ड होकर अगर आप मेरी बात सुनते हैं, तो इसमें मेरा फायदा नहीं है, आपका फायदा है, मेरा फायदा नहीं है, आपका फायदा है। ये बात अगर आप सामने वाले के दिमाग में बैठा पा रहे हैं, तभी अपना वन टू वन के अंदर कार्यक्रम स्टार्ट कीजिए। अगर सामने वाला इस तरीके से बैठा है, हाथ बांध के आपके सामने बैठ गया, तो कभी भी अपना प्लान नहीं खोलना, कभी भी अपना प्लान मत दिखाना। ये बात, ये गोल्डन रूल अपने दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। जब तक सामने वाले ने अपने हाथ खोले नहीं है और वो खुल के आपकी बात को सुनने के लिए, गंभीरता से सुनने के लिए रेडी नहीं है, तब तक अपना प्लान मत खोलना वन टू वन के अंदर, ठीक है ना। अगर सामने वाला आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो आप अगर वन टू वन में मिलने चले भी गए हो, ठीक है ना, तो वहां पर आप सिर्फ इनविटेशन कीजिए, कुछ मोटी मोटी बातें उस व्यक्ति को बताइए अपने इस अपने कॉन्सेप्ट के बारे में कि उसे क्या बेनिफिट मिलने वाला है। अगर वो एक घंटे का समय निकाल के प्रेजेंटेशन में आएगा, तो उसे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, इसके बारे में चर्चा कीजिए। तो इस तरीके से आप जो है अगर चीज़ों को टेक्निकली हैंडल करेंगे, देखिए हमेशा हमेशा इस बात का ध्यान में रखिए कि अपना हाथ हमेशा अपर हैंड ही रखिए। समस्या, चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चाहे आप कितनी भी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप इस समय जूझ रहे हैं, चाहे आपके साथ अभी तक कोई ज्वाइन हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आपको एक बात नहीं भूलनी है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसे आप देने जा रहे हो, उससे कुछ लेने नहीं जा रहे हो, आप उसको देने जा रहे हो। वो बिजनेस प्लान, वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वो मौका आप उसे देने जा रहे हो जो मौका आज उसके जीवन में नहीं है। भले ही आप इस बिजनेस के अंदर नए हो, भले ही आप इस बिजनेस के अंदर बिगिनर लेवल पे हो, भले ही अभी अभी आपने इस बिजनेस को शुरुआत किया है, लेकिन आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि अभी अभी आपने ये बिजनेस शुरू जरूर किया है, लेकिन आप जिससे मिलने जा रहे हो उसने तो ये बिजनेस अभी तक शुरू भी नहीं किया है।
आप उससे तो एक कदम आगे हो ना, भले ही आप इस बिजनेस के अंदर नए हो, लेकिन आप जिस प्रोस्पेक्ट से मिलने जा रहे हो आप उससे तो एक कदम आगे हो ना। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान में रखने की जरूरत है कि आप देने जा रहे हो, आप लेने नहीं जा रहे हो, ठीक है ना। कभी भी आप प्लान शो कर रहे हो, सबसे बेस्ट तरीका जो प्लान शो करने का है वो यही है कि हमेशा इस एटीट्यूड के साथ प्लान दिखाओ कि आप दे रहे हो उसको, आप ले कुछ नहीं रहे हो उससे। कभी भी इस एक्सपेक्टेशन, इस एटीट्यूड के साथ प्लान दिखाओ कि तू नहीं भी करेगा ना तो भी मेरा कुछ नहीं जाता। इस एटीट्यूड के साथ प्लान दिखाओ, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके बात करने के तरीके से ये उस व्यक्ति को मैसेज जाना चाहिए, सिग्नल जाना चाहिए कि अगर तू नहीं भी करेगा ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नुकसान तेरा होगा अगर तू इस बिजनेस को नहीं करेगा तो। अगर तू अगले 15 से 20 मिनट मेरी बात नहीं सुनेगा ना तो तेरा नुकसान होगा, मेरा नुकसान कुछ नहीं होने वाला है। मेरे को तो तू नहीं करेगा तो कोई और मिल जाएगा, ठीक है ना। एक नहीं आएगा तो दूसरा आएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा आएगा, तीसरा नहीं तो चौथा आएगा। मेरे पास कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन तेरे पास मेरे जैसा आदमी दोबारा नहीं आएगा। ये चीज आपको सामने वाले के दिमाग में बैठाना बहुत ज्यादा जरूरी है प्लान खोलने से पहले। अगर आप प्लान खोलने से पहले ये कर पा रहे हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप 10 लोगों को प्लान दिखाओगे, 10 में से 8 लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। अगर आप ये कर पा रहे हो ना तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपके साथ 10 में से 8 लोग ज्वाइन करेंगे। ज्यादातर लोग प्लान प्रेजेंटेशन में क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सर प्लीज सुन लीजिए, सर आप बहुत बिजी हैं, मैं जानता हूं सर आप बहुत बिजी हैं, लेकिन मेरा प्लान भी प्लीज सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं सर, प्लीज सुन लेंगे ना सर तो आपके जीवन बदल जाएगा। सामने वाला कहता है अपना जीवन तो आज तक तू बदल नहीं पाया और मेरा जीवन बदलने की बात कर रहा है। सामने वाला आपको उल्टा बताना शुरू करता है कि देख जो मैं कर रहा हूं ना, देख मेरे को, मैं जो कर रहा हूं ना पहले से, मैं कितना बड़ा तोप चला रहा हूं, मैं कितना बड़ा तीर चला रहा हूं। वो आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि वो ज्यादा बेटर काम कर रहा है और आपका काम जो है वो बेकार काम है, ठीक है ना। तो आपको कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करनी है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लान, कितने भी प्लान दिखाते रहो। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, लोग बोलते हैं कि सर मैंने 50 प्लान कर दिए कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, सर मैंने 100 प्लान कर दिए कोई ज्वाइन नहीं हो रहा। प्लान करने के तरीके को कितना इंप्रूव कर लिया इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। अगर आपका पहला प्लान प्रेजेंटेशन जैसा था, अगर आपका 100वां प्लान प्रेजेंटेशन भी वैसा ही है तो क्या इंप्रूव किया आपने, क्या सुधार किया आपने अपने अंदर? आपने तो कोई इंप्रूवमेंट किया ही नहीं, आपने तो कोई सुधार किया ही नहीं। अगर आपका पहला प्लान प्रेजेंटेशन जो आपने किया था 1-to-1 में, आपका 100वां प्लान प्रेजेंटेशन भी वैसा ही है अगर, तो फिर क्या सुधार किया आपने? हम इस चीज को देख नहीं रहे होते हैं कि सर मैंने 20 लोगों को 1-to-1 में प्लान दिखाया और सर मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हुआ। आदमी देख ही नहीं रहा है कि सर मैंने 20 लोगों को प्लान दिखाया तो सही, लेकिन 20 लोगों को मैंने एक ही तरीके से प्लान दिखाया। पहले आदमी को जैसे दिखाया था 20वें को भी वैसे ही दिखाया, तो मेरे में क्या परिवर्तन आया? जब मेरे में ही कोई परिवर्तन नहीं आया तो मेरे साथ कोई क्यों जुड़ेगा, क्यों आएगा कोई मेरे साथ? मेरे हाव भाव, मेरे बॉडी लैंग्वेज, मेरे बात करने के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है और मैं सामने वाले को बोल रहा हूं कि तेरे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। कैसे? आपके अंदर आया हुआ परिवर्तन विजिबल होना चाहिए, आपके अंदर आया हुआ परिवर्तन सामने वाले को दिखना चाहिए। जिस व्यक्ति को आपने पहली बार प्लान दिखाया था, वो आदमी जब आपसे 20 दिन के बाद मिले, 1 महीने के बाद मिले, तो आप में आया हुआ परिवर्तन इस 1 महीने के दौरान आपके अंदर, आपकी बातचीत में, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके बात करने के तरीके में, आपके हाव भाव में, आपके एक्सप्रेशन में, आपके एटीट्यूड में आया हुआ परिवर्तन उस इंसान को दिखना चाहिए जिसको आपने सबसे पहले प्लान दिखाया था। आएगा ये आदमी तुम्हारे साथ, जिसको आपने सबसे पहले प्लान दिखाया था ना, ये आएगा तुम्हारे साथ, ये ज्वाइन होगा तुम्हारे साथ, काम करेगा नहीं करेगा क्या करेगा वो बात का मैटर है, लेकिन ये ज्वाइन होगा तुम्हारे साथ जिसको आपने सबसे पहले प्लान दिखाया था, अगर आप अपने आप में लगातार सुधार कर रहे हैं तो। समझ में आ रहा है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लान दिखाने का आपके तरीकों को, मेरे को लगता है कि अभी आपको समझ में आया होगा कि प्लान दिखाते वक्त आपका तरीका क्या होना चाहिए। क्या बोला ये उतना मायने नहीं रखता, ध्यान रखना दोस्तों, क्या बोला ये उतना मायने नहीं रखता जितना मायने रखता है कैसे बोला, किस एटीट्यूड के साथ, किस कॉन्फिडेंस के साथ आपने बात करी, ये ज्यादा मायने रखता है। कभी भी हम अपनी टीम के अंदर किसी भी इंसान को ये नहीं बोलते हैं कि आप पूरा प्लान पहली मीटिंग में समझा कर आओ। हम कभी भी किसी को नहीं बोलते कि आप डिटेल में प्रोफाइल बताओ, डिटेल में सारी प्रोडक्ट रेंज बताओ, डिटेल में सारा इनकम प्लान बताओ। हम ये बोलते हैं कि भाई जितना आपको समझ में आया है उतना ही सामने वाले को बताओ, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ बताना है उस पर फोकस करो। आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई लेवल का होना चाहिए। आप जितना बताओगे, जो बताओगे, आपके साथ सामने वाला ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला कभी भी प्लान देख ही नहीं रहा होता है। राज की बात बता देता हूं आपको, सामने वाला कभी भी प्लान देख ही नहीं रहा होता है। सामने वाला तो आपके कॉन्फिडेंस को देख रहा होता है, आपकी नॉलेज को देख रहा होता है, आपके बिलीव लेवल को देख रहा होता है। एक बार आपने अपना बिलीव लेवल उसको दिखा दिया कि दोस्त मुझे इस बिजनेस पे 100% बिलीव है, तो वो भी आपके साथ आ जाएगा।
समझ में आ गया? सो दैट्स द वे, नेटवर्क बनाने का, टीम बनाने का तरीका ये है।